आज की रात लगता है बुरा ना मेरा नसीब है। आ तुझे मैं चलूं के घर मेरा थोड़ी करीब है। मेरे कोलो कोलो लंगी दिसी सप वांगू डंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टिकटॉक में स्लो मोशन वीडियोस कैसे बनाते हैं हार्दिक शर्मा आशिका भाटिया जैसे लोगों की। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आपको एक ठो सिंपल सी एक वीडियो बनानी है। मैंने तो अभी ये टिकटॉक से इसकी हार्दिक भाई की वीडियो डाउनलोड की है, तो अभी इसी पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो आपको एक ठो आप अपने फ़ोन के नॉर्मल कैमरा से एक वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। फिर आपको पावर डायरेक्टर खोलना है। अगर आपने पावर डायरेक्टर डाउनलोड नहीं किया तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हमें न्यू प्रोजेक्ट में जाके 9:16 वाले को सिलेक्ट करना है, क्योंकि टिकटॉक का रेशियो यही होता है। सो हमें अपने वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेना है स्क्रीन पे। तो ये वीडियो आ गई। तो इसके बाद जहाँ से आपको अपनी वीडियो जहाँ तक आपको स्लो मोशन रखनी है वहाँ तक आप वहाँ से ट्रिम कर लें वीडियो को। तो यहाँ पर आके बीच में क्लिक करके वो जो ऊपर बीच वाला है ना तीन में से, तो उस पर क्लिक करें तो ट्रिम हो जाएगी। और जितने को नहीं करना है उसको डिलीट कर दें। हाँ, तो उसके बाद अब आपको कहाँ कहाँ स्लो मोशन करना है वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ कहाँ से लगाना चाहते हो। जहाँ जहाँ आपको स्लो मोशन करना है वहाँ पर आप ट्रिम करो फिर वहाँ पर आप ट्रिम कर सकते हो। तो फिर हमें यहाँ पे टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाने के बाद स्पीड में जाके स्पीड को थोड़ी कम कर देनी है। फिर आपको म्यूज़िक बंद कर दीजिए या चालू रखिए, आपके ऊपर है। फिर आपको अगर आगे करना है तो वहाँ भी आप ट्रिम कर लें। ट्रिम करके यहाँ पे स्पीड यहाँ पे भी घटा दें। सो यहाँ पे मेरी देख सकते हैं आप स्लो मोशन वीडियो हो रही है। तो इसके बाद जहाँ जहाँ आपको स्लो मोशन करना है वहाँ पे एक सिंपली आप ट्रिम करें, दो तरफ से ट्रिम करें। उसके बाद वो जो बीच वाला पार्ट हो उस पर आप जाके उसकी स्पीड कम कर दें, तो आपकी स्लो मोशन वीडियो हो गई। और अगर आपकी वीडियो पूरी हो गई हो तो फिर यहाँ से आप जाएं ऊपर जाके प्रोड्यूस कर लें। यहाँ पे साइड में दिया है, सबसे ऊपर टॉप में दिया है प्रोड्यूस करने का ऑप्शन। तो प्रोड्यूस में जाएँ, सेव टू माई फ़ोन पर क्लिक करके HD क्वालिटी में उसको सेव कर लें। फिर अपने फ़ोन में आप टिकटॉक चालू करें। टिकटॉक चालू करने के बाद प्लस मतलब ऐड वीडियो में जाके वीडियो सेलेक्ट कर लें और उसके बाद उसका ऑडियो सेलेक्ट कर लें, फिर उसको अपलोड कर दें। यही था सिंपल सा प्रोसेस। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद।